पास्ता वाला केक है जो बुक कर लिया है हमने, सस्ते और रीजनेबल प्राइस में, अच्छे भी है देख के। सस्ता खाना पे मिलता है, सस्ता मतलब मार्केट। हम वीडियो बनाते बनाते फेमस भी हो जाएंगे। मेरे का नुकसान क्या हुआ, पूरे पर्स में हाथ साफ कर लिया जितना चिल्ले को। आपके कटरा मार्केट दिन में कैसा दिखता है? मैं डायनासोर जैसा, ये सुंदर सुंदर दिख रही है, मैं डायनासोर दिख रहा हूँ पूरा पूरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून गाइस, आप सबका न्यू व्लॉग में मैं राज और यशिंद्रन स्वागत करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। देखो दोस्तों, वैसे तो जब मतलब माता के दर्शन करके आए, सो भी लिए, उसके बाद अब जा रहे हैं कटरा का व्लॉग बनाने के लिए। तो आप पहले वो देखो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, कमेंट जरूर करना जो आपको अच्छा लगे वो। अब देखते हैं कटरा के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ। हम फिर से कटरा मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने रात में किया था, इस बार हमने सोचा दिन में बनाएंगे, दिन में कैसा दिखता है। तो इस बार दिन में देखो आप क्यों कटरा मार्केट दिन में कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें आप पे काम की है, आओ तो क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आज टाइम ज्यादा है तो हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए कटरा मार्केट देखो आप, लास्ट में मिलते हैं फिर वीडियो के। मैं इस पर्सनली इस शॉप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जगह जगह ऐसे बहुत सारे अखरोट वगैरह बेचने की शॉप मिलती है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे मत खरीदो अखरोट, क्योंकि होता क्या है आपको अच्छा दिखाएंगे तो सही है कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा अखरोट देने वाला हूँ, और इतने टाइम मतलब हाथ में इतनी अच्छी तरह से सफाई के साथ में वो आपको दिखाया हुआ अखरोट चेंज कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं दुकान वाले, आप कितना भी चेक कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, और नहीं विश्वास हो तो कभी ले करके और दुकान के बाहर निकल के चेक कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा वो अखरोट ईटा पत्थर से फोड़ते फोड़ते परेशान हो जाओगे, फूटेगा नहीं, तो ऐसा कुछ होता है। तो अखरोट वगैरह मत लेना यहाँ से, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ किसी काम का नहीं है। चावल कितनी अच्छी अच्छी है, कैसे ये किसके लिए, वो कुछ चप्पर से भी रखेगा नहीं, पेंसिल वेंसिल वगैरह रखने के लिए, वैसी पोनी पोनी करती रहती है भैया। क्या महंगा है सस्ता है, चलो रिव्यू तो दो कैसा है, महंगा है सस्ता है? ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन देखा तो लगभग इतने का ही था। बताया करिए खाने में क्या मतलब, जो चीज सही है नहीं सही है ऐसे थोड़ी पता चलेगा, इसलिए तो शॉप पे लेके जा रहा हूँ मैं। इनसे मैं लाइव पूछूंगा अभी, क्योंकि देखो लड़कियाँ जितना अच्छा बार्गेनिंग कर सकती है ना भाई, अपने बस का नहीं है। मैं नहीं करती बार्गेनिंग, मैंने लड़कियों की बात की, लड़कियों की बात की। इनका कहना कि पापा पैसे वाले आसामी है भाई, सब अरबों रुपए छाप के रख रखे हैं, मशीनें लगा रखी है उन्होंने घर के अंदर, छपर छपर मतलब मजाक कर रहा हूँ, कोई कंप्लेन मत कर देना भाई। तो यहाँ पे ना हाँ एक चीज़ है, अगर आप आते हो तो अचार वगैरह आप लेके जा सकते हो, ड्राई फ्रूट नहीं। ड्राई फ्रूट के अंदर ये मान लो रिस्क है, अगर आपने किया ना तो गए पैसे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ड्राई फ्रूट पहाड़ में बड़ा अच्छा मिलता होगा, हमारे यहाँ ज्यादा। सबसे बड़ी बात यही है, खाने पीने की चीजें बहुत है यहाँ पे, क्या देखो मन तो है नहीं खा हुए, ऐसे में लगाते थे वो बिल्कुल ऐसे, देखेंगे शाम को होगा तो ठीक है, नहीं तो खा के जाएंगे बाद में। संतरे का जूस पिएगा है, संतरे का जूस पिएगा, कैसे लाल टपक रहे संतरे के नाम पे, कैसे दे रहे भैया 40 रुपए गिलास, पहले एक गिलास दो, अच्छा हुआ तो फिर एक और लूंगा। पियो पी के बताओ कैसा है, पेमेंट किया मैंने और उस पेमेंट का नुकसान क्या हुआ, पूरे पर्स में हाथ साफ कर लिया, जितना चिल्लर उल्लर था ना सब मार लिया इन्होंने, और मिलने वाला और नहीं मेरे को ये, ठीक है भैया। गुन्नू के लिए पर्स ही ले लो, उसको सूची करनी आती नहीं, पर्स पहनेंगी वो, कितने ढेर सारे तो रखे हैं। अभी पिछली बार इससे भी अंदर आए थे, ये शॉप पे आए थे दोस्तों, पिछली वाली शॉप है, इसको हम अंदर से भी रिकॉर्ड करके गया था मैं, पीछे वाले चाहोगे तो पिछले सीरीज में जाके देख सकते हो आप। ₹120, वो ₹20 बढ़ गए इतना चढ़ाई करने के, एक तो चढ़ गई इतना ऊपर भी आओ, उधर नीचे सो का मिल रहा था ना। क्या लोग इसको लगता है ये चलने वाला है, अरे मैंने भी तो लिया, देखो ऑनलाइन क्या है और ये क्या है, हाँ कुछ ना कहाँ है कोई,
आया कोई ना कोई भागते हुए, पकड़ लिया ना अपन ने। भाई कितने का है ये वाला? भाई तो देखो दोस्तों, वैसे यहाँ पे ज़्यादातर ना आपको हैंडीक्राफ्ट और उसके मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलती। जैसे ये बैग वगैरह हो गए, ये आपको नीचे नहीं मार्केट में मिलेंगे, तो सही प्राइस में मिलते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि महंगे मिल रहे हैं। अभी शॉप पे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। तो वैसे बैग वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं जो आप ले सकते हो। औरतों के देखो यार, कहीं पे भी जाओ ना, आदमी का कुछ नहीं मिलता है। हालांकि अंडरवेयर में भी कोई बेचता नहीं आदमी का, और खरीदता क्या नहीं, मिलेगा तो आप खरीदेंगे। अब हमको भी ऐसे सजा के बाहर रखे और दिखाया तो हमारा भी मन करेगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है तो देख के लग रहा है कि अच्छा है। ये लो, दुकान वाला ही बोला, पहले उसने जेंट्स के लिए नहीं बोला, पहले उसने लेडीज के लिए बोला कि भाई लेडीज फैक्टर है, जेंट्स फैक्टर है। तो बंदों को कोई पूछता ही नहीं, बेचारे क्या करेंगे, बेचारे घर में दबते हैं, फिर ऑफिस में दबाते हैं सबके सब, उसके बाद मार्केट में भी दबते हैं। कोई चीज़ अगर आप वीडियो में देख रहे हो, एक चीज़ ऐसी बता देना जहाँ पे जेंट्स के लिए कुछ मिल रहा है। बेचारा देखो, इसको भी इसके घर वाले ने मार दिया होगा। यहाँ पे सब्जी भी मिलती है, आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर सकते हैं सब्जी वगैरह की। सब्जी खरीदो, होटल भी लेके जाओ, मस्त खाना वाना बनाओ, खाते के मौज उड़ाओ। ये खाना यहाँ पे सस्ता है, एक बात तो है। हाँ, भरपेट खाना मिलता है 80 रुपये में। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पे 80 रुपये में भरपेट खाना मिलता है, एक नंबर खाना। आपका घर का खाना फेल, वैसे नहीं, वैसे घर के बराबर ही मिलेगा। इस बार मैं सब रिकॉर्ड करेगा, दिखाएगा दुनिया वाले को, देखो भाई साहब ये ऐसे घुमाती है मेरे को मार्केट में। 3000 साल से मैं घूम रहा हूँ, और पता नहीं और कितने हजार साल तक तो घूमता रहूँगा मैं। आदमी कहाँ से लगा देखो, वो अंदर पड़े हुए सारे कपड़े आदमी के, और तो कहें सामने लगा रखे हैं। बेचारा आदमी देखेगा कि वहाँ तक मेहनत करके जाऊँगा तब मुझे कपड़े मिलेंगे, इसी चक्कर में बेचारे को कपड़े नहीं मिल पाते। और फिर औरतें बोलती हैं, कपड़े ऊपर तो है नहीं कुछ पहनने के लिए, फटे चोर जैसे घूमते रहते हैं, कहाँ से लेगा आदमी है? एक तो मेहनत करके देखो। अब इसमें और सुनो, कौन से वाले? किसके लिए? बस यही बताना था किसके लिए ले रही है। भैया सच कह रहा हूँ, एक बार टेस्ट करके देखो। आते तो यार पान कितने ले लो, आपको भी एक मिनट, थैंक यू। आओ भैया, मैं पिछली बार आया था तो पान खा के गया था, पर जान से भी खाया नहीं। दुनिया वाले पता नहीं क्या सोचते कि बंदा वो सर्दी का पान खा रहा है तो मीठा पान है। नहीं नहीं, जयपुर से मीठा पान नहीं है, खा सकता हूँ। पिछली बार भी खाया था, बहुत अच्छा। हम वीडियो बनाते बनाते फेमस भी हो जाएंगे, आपके अंदर टैलेंट है। तो पहले मैं पान खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मोटा तो खा पी के अंदर भी ढका गया। पान के जरिए मोटे पेट में गया ना, डायनासोर या पत्थर भी पचा देगा ये। ये जो है ना, ये तो नहीं छूटेगा। उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैंने बनाया क्या? क्यों भैया, ये तो ये नहीं, ये छूटेगा तो नहीं, मतलब कहीं निकल तो नहीं जाएंगे वो। मैंने ऐसा लिया बट मेरे ये जो स्टोन से ही निकल गए, बड़ी टाइट थी। ऐसे लकड़ियों के आइटम मिलते हैं यहाँ पे, जो आप चाहे तो घर लेके जा सकते हैं। इस पर नाम वगैरह एड्रेस वगैरह अपना जो लिखवाते हैं ना बोर्ड पे, वो लिखवाओ, घर लेके जाओ। सस्ता खाना यहाँ पे मिलता है, सस्ता मतलब मार्केट में जो होटल की प्राइसेस है ना, उसमें उससे बहुत कम रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है। तो आते वक्त यहाँ पे जरूर ट्राई करके जा सकते हो। हाँ ऐसा ऐसा, ये 50 की है, ये 70 की है। तो वो देख के अब ले लो, कैसा लेना आपको, आप चेक करो। इसको छोटा वाला ले लेते हैं, ये 50 की है, 90 रुपए की। नहीं बड़ी नहीं, छोटी चाहिए, क्योंकि मेरे मुझे ट्रैवलिंग में चाहिए होती है ना। इधर ले लो, इधर ले लो।
डरा है वैसे तो खुद नागिन का डरेंगे हिसाब से। मैं घुस गया इसके शॉपिंग करने, निकलने का मन ही नहीं कर रहा। माते का कि निकल के बाहर आ जाए, एक दो कम से कम 10,000 करोड़ सालों से लगी हुई है अंदर, तब से बाहर आई नहीं हुई। वैसे अच्छी है, आपको ना सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बहुत सस्ते और रीजनेबल प्राइस में। अच्छी भी है देख करके आया हूँ मैं, बस ये बाहर नहीं आ रही, बस वही टेंशन है। इनका तो ना घर से बाहर निकलना ना, बस ये कि कुछ मिल जाए। आप मेरे देखोगे ना बैक में, पकड़ना जरा इसको, पकड़ना है बस। ये पीछे दिखा ना तेरे, ये बिल्कुल खाली है, ये बैग दिखा रहा है अभी, ये बिल्कुल खाली है। ये वापस है ना होटल पहुंचते पहुंचते मेरे को भर लेंगी, हाथ में ले लेंगी तब पहुंचेंगी। मैं इसको मैंने दूर से देखा ना, तो मैंने देखा ये क्या है, चाम है। क्या है? पनीर टिक्का, पनीर मोमो। कैसे प्लेट दे रहे हो? 80 रुपए का। एक प्लेट दे दो भाई, इसको देखा था ना। पनीर टिक्का पूछना, पनीर। और पनीर टिक्का कैसे दे रहे हो? 180 का। वो 180 का, दो मोमो की प्लेट के बराबर। इसको थोड़े पहले देखा तो मैं देखा नॉनवेज बिक रहा है यहाँ पे, तो फिर कितना 5 मिनट लग जाए ना। नहीं वो मुझे लगा सीखेंगे। मैं तो ये वाले हैं, इस पे नाम वगैरह लिखने कितने पे लेते हो? 200, 250, 150 अलग अलग प्राइस है। तो 150, 200, 250 के अंदर ऐसे नाम वगैरह लिखने वाले मिलते हैं। 30 रुपए से स्टार्ट है वो लगे बाइट वाले, उसमें 12-13 तो 30 रुपए में ऐसे छोटे वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और बड़े लेने 150 से स्टार्ट है बड़े वाले, तो आप ऐसे भी नाम वगैरह लिखा के लेके जा सकते हैं। और ये पिछली वाली शॉप पे वापस आ चुकी हैं, मैंने बोल दिया पहले। एक वैष्णो देवी ट्रिप पे आए थे तो एक फैमिली मिली है, तो इनकी एक याद बना देता हूँ छोटी सी, जैसे हमेशा मैं किसी ना किसी फैमिली की बनाता हूँ। तो ये है, एक मैम उधर गई हुई और एक मैम ये रही। जय माता दी, जय माता दी। तो आप सब देख लेना वहाँ पे, आप सब वहाँ पे मिलोगे। इन्होंने सब्सक्राइब भी किया चैनल को, तो वहाँ आएंगे। जय माता दी। प्रेम की गंगा बहाते चलो, मोटे के साथ खर्चा कराते चलो। मोटे ये तो भाई मेरी गाड़ी है, बस चलती नहीं है, ये चलानी पड़ती है, पाजी चलाते हैं इसको। अरे नहीं पाजी, ऐसे ही घूम रहे हैं, हमको वेले बन रहे, टाइम पास करने किधर भी निकल लेते हैं हम। इतना अच्छा पार्टनर है, मोटा सुंदर सुंदर, कौन टाइम पास करने नहीं घूमेगा। ये लो मुंह टेढ़ा करवा लो माते से, और कुछ नहीं है। तो ये मोटा आ गया है और ये ठेला पूरा खाली करके जाएगा मोटा है। तो मम्मा आई है गुन्नू के लिए केक लेने के लिए, और इतनी वैरायटी देख करके अब वो सोच रही है अपनी लड़की के लिए कौन सा केक ले या किस कलर में ले। आप देखो कौन सा लेना है। फ्लेवर चेक करो आप। बनने के लिए ऐसा वाला केक है जो बुक कर लिया है हमने, 6 बजे करीब आएंगे लेकर के जाएंगे और उसको सरप्राइज देंगे। मैं गेट है ना, मतलब दर्शन सर्कल है, सर्कल के बिल्कुल थोड़ा सा आप आओगे ना तो इसका नाम ही देख लो आप, ठीक है। फैमिली रेस्टोरेंट है और सात्विक भोजन है इसके अंदर ना, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मतलब प्याज लहसुन का मिलावट नहीं, यूज ही नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको केक मिल सकता है, इस वाले रेस्टोरेंट के ऊपर है ना, आपको केक वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आप किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हो ना तो कर सकते हो आपसे यहाँ पे।
तो ये पनीर मोमो है यहाँ पे। अस्सी रुपए की प्लेट मिल जाती है, थोड़ा सा ऑनियन आता होता है, पत्ती खाला देख रहे हो। मेरे हाथ में तो कटोरी रखी हुई है, ठीक है, दूसरे हाथ के अंदर मेरे माइक पकड़, ये कैमरा पकड़ रखा है और ये खा रही है। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पैक करवा ले इन लोगों के लिए और आराम खा लेंगे। अच्छा नहीं, बहुत तीखा भी है। हाँ उसने बुलाया, तुम पता नहीं पान खाए उससे लग रहा है किससे लग रहा है, दिखाए। तो दोस्तों दर्शन वगैरह, मैं दर्शन ही बोल रहा हूँ, बोला कि मार्केट घूम लिए, अब घूम के चल रहे हैं एक बार और। एक बैग ले लेते हैं। अरे चालू ही नहीं किया था इनको, मेरे को बिना छीन के देना, वापस बता दो, वीडियो चालू करना भूल गया था। कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो दोस्तों 20 रुपए में 6 मिल रहे हैं गोलगप्पे। ये वाले भैया हैं। आप ही हो? याद आया? कहाँ पे लगा रखा है आपने? हम ढूंढ रहे थे उधर। ये मिल गए यहाँ पे, इनको ढूंढ रहे मार्केट में, ढूंढ रहे थे जाकर के। जब आप गए ना इधर, मैं नीचे खड़ा था। नीचे खड़े थे क्या? नीचे खड़ा था मैं, आप मेरे सामने गए आप। हम उधर ढूंढने के, भैया कहाँ गए? भैया कहाँ गए? आपको ढूंढे थे, नहीं मिले, खा रहे हैं। ये भी मेरा भाई है। अच्छा तो इन्हीं के ये भाई हैं जो मिले हैं। पिछली ब्लॉग में देखा हो तो इन्हीं को देखा होगा, इनको ढूंढते ढूंढते इधर आ। हाँ जय माता जी। छह हुए नहीं क्या अभी तक? आठ हो गए। चलो फिर चलाओ चलाओ। एक बार सुन करो। तो दोस्तों घूम फिर के कटरा से आ गए हैं।